अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। फाइनली पाकिस्तान जी वर्ल्ड कप 2023 से आउट हो गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को लात मारकर जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया और फाइनली चार जो डिजर्विंग टीमें थी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलने के लिए उनने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गो के पाकिस्तान के पास एक चांस जरूर मौजूद है और पाकिस्तान अगर जो है वो इंग्लैंड को 370 प्लस रन से जो है वो अगर हराता है अगले मैच में या फिर पाकिस्तान इंग्लैंड टारगेट देता है उसको 4.25 ओवर्स में जो है वो चेज कर लेता है जो कि ऑलमोस्ट जो है वो नामुमकिन है। इंग्लैंड इतनी भी बुरी टीम नहीं है, इंग्लैंड को आप इतना भी हल्का नहीं ले सकते और हर रोज जो है वो इस तरह के कारनामे सर अंजाम नहीं दिए जा सकते। तो इस वजह से पाकिस्तान ना तो 270 प्लस रन से जीतने वाली है इंग्लैंड से और ना ही पाकिस्तान जो है वो बाद में इंग्लैंड ने जो टारगेट दिया होगा उसको 4.25 ओवर्स में जो है वो चेज कर सकती है। तो फाइनली जो है वो पाकिस्तान को जो है वो न्यूजीलैंड ने लात मारकर जो है वो वर्ल्ड कप 2023 से बाहर निकाल दिया है और न्यूजीलैंड ने जो है वो अपनी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लिया और जो टीमें बाहर निकली हैं वो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के चांसेस वैसे ही बहुत कम थे और आज सोचा जा रहा था कि बेंगलुरु में जो है वो 95% 92% 70% जो है वो बारिश की प्रिडिक्शन की जा रही थी लेकिन आज कुदरत का निजाम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ चला और कुदरत ने भी आज पाकिस्तान को बतलाया कि अगर आपकी नीयत साफ नहीं होगी, अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे, अगर आप जो है वो क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेलोगे, अगर आप खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी करोगे, अगर आप अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खिलाओगे, अगर आप अपने मनपसंद जो है वो सारे डिसीजन करोगे, अगर आप जो है वो डिजर्विंग प्लेयर्स को नहीं खिलाओगे, अगर आप खिलाड़ियों के साथ जो है वो मुसलसल ज्यादती करोगे, अगर आप अच्छी फील्डिंग नहीं करोगे, अगर आप जो है वो अच्छी बैटिंग नहीं करोगे, अगर आप अच्छी बॉलिंग नहीं करोगे तो कुदरत भी कह रही है कि मैंने आपका साथ मजीद नहीं देना क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा मौके दिए हैं लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो उन मौकों को अवेल नहीं किया। तो इस वजह से आज कुदरत ने पाकिस्तान से जो है वो इंतकाम लिया है और आज जो बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही थी कई जगह पे 70% बताई जा रही थी, कई जो है वो वेबसाइट्स पे वेदर जो प्रेडिक्ट करती हैं उन पे 95 से भी ऊपर जो है वो परसेंट ये बारिश बताई जा रही थी लेकिन बारिश नहीं हुई, मैच जो है वो हो गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को जो है वो 5 विकेट से हरा दिया और पाकिस्तान फाइनली जो है वो ऑफिशियली तो नहीं लेकिन पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। ये सब कुछ हुआ है बाबर आजम की हठधर्मी, बाबर आजम की अना, बाबर आजम की गलत कप्तानी, बाबर आजम के पुअर डिसीजन, बाबर आजम के डिफेंसिव कप्तानी, बाबर आजम के डिफेंसिव फैसले, बाबर आजम की यारियां, बाबर आजम की दोस्तियां, बाबर आजम की मनमानियां, बाबर आजम की हठधर्मियां, बाबर आजम की अना, बाबर आजम की जो है वो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए जो उसने गलत फैसले किए हैं तो ये सब कुछ जो है वो उस चीज का नतीजा है। और मैं वैसे तो हमारा मुल्क जाहिर सी बात है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमारा मुल्क जो है वो हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और हमारी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे लेकिन अगर किसी भी बंदे से जो भी जिसको क्रिकेट से प्यार है, जो क्रिकेट को जानता है, अगर उससे ये बात पूछी जाए कि क्या पाकिस्तान ने इस तरह की बैटिंग की है, क्या पाकिस्तान ने इस तरह की फील्डिंग की है, क्या पाकिस्तान ने इस तरह की जो है वो बॉलिंग की है, पाकिस्तान ने फास्ट बॉलिंग इस तरह की है, पाकिस्तान ने इस तरह की सिलेक्शन की है, पाकिस्तान ने जो है वो क्वालिटी क्रिकेट खेली है जिसके बिना पर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने के लायक था या डिजर्विंग टीम थी, तो हर बंदा जो है वो आपको एक ही जवाब देगा कि पाकिस्तान तुक्के से तो पहुंच सकता था, कुदरत के निजाम से तो पहुंच सकता था लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के कोई चांसेस नहीं थे। ना पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की है, ना पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की है, ना पाकिस्तान ने अच्छी फील्डिंग की है, ना पाकिस्तान की तरफ से अच्छी कप्तानी देखने को मिली है, ना पाकिस्तान की तरफ से अग्रेसिव अप्रोच देखने को मिली है, ना पाकिस्तानियों की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से जीतने की लगन देखने को मिली है, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है वो इंटेंट जीतने की लगी है और हर बंदा जो है वो कप्तानी के पीछे भाग रहा था, बाबर आजम को नीचा दिखाना चाह रहा था और ऊपर से सोने पर सुहागा कि बाबर आजम जो अपनी मर्जी की टीम लेके आए हुए थे और सारी दुनिया पीट पीट के मर गई, यार जमान खान को खिला लो, यार अबरार अहमद को खिला लो, जब मोहम्मद नवाज, शादाब खान जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके फास्ट बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप इन रेलू कट्टू को जो है वो कब तक पाकिस्तान जो है वो कब तक पाकिस्तान के इस
तो आप कब तक इन रेलू कट्टों के जरिए पाकिस्तान की जलालत करवाओगे, पाकिस्तान को जो है वो हरवाओगे, और कब तक जो है वो आपकी अना और आपकी जिद की हाथे जो है वो पाकिस्तान को सफर करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाता तो सबसे ज्यादा बाबर आजम का नाम लोग याद रखते हैं, लेकिन बाबर आजम ने कसम उठाई हुई थी कि मैंने जो है वो अपनी अना और जिद की तस्कीन की हाथे जो है वो कुछ भी करने को तैयार हूं, मैंने अपने दोस्तों को खिलाना है, मैंने अपने यारों को खिलाना है, मैंने अग्रेसिव कप्तानी नहीं करनी, मैंने डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलना है, मैंने डिफेंसिव अप्रोच के साथ खिलाना है, मैंने डिफेंसिव कप्तानी करनी है, मैंने अच्छी प्रेशर कंडीशंस में मेरे से अच्छी कप्तानी होती नहीं है, ना मैं अच्छी कप्तानी करूंगा, ना मैं इंटेंट खुद दिखाऊंगा, ना मैं अपनी टीम की तरफ से ये रिक्वायर करता हूं कि आप जीतने की जो है वो इंटेंट दिखाओ, तो फिर कुदरत भी आपके साथ जो है वो कब तक आप कुदरत आपका साथ देगी, क्योंकि कुदरत ने आपको हाथ पांव दिए, कुदरत ने आपको सेहत दी है, कुदरत ने आपको जो है वो बैटिंग स्किल्स दी है, कुदरत ने आपको बॉलिंग स्किल्स दी है, कुदरत ने आपको स्पिन बॉलिंग जो है वो उसकी स्किल दी है, कुदरत ने आपको फील्डिंग स्किल दी है, लेकिन कुदरत ने उसके बाद बंदे के हाथ में रखा होता है कि जिस तरह की बंदे की नियत होगी, जिस तरह की बंदे की इंटेंट होगी, जिस तरह की बंदे की अप्रोच होगी, जिस तरह की बंदे की जो है वो स्किल्स होंगी, जितना बंदा को मेहनत करेगा तो उसके मुताबिक जो है वो मैम उस बंदे को या उस टीम को नवाजूंगा। और अगर पाकिस्तान टीम जो है वो रेलू कट्टों के साथ खेलेगी, यारों दोस्तों को जो है वो नवाजा जाएगा, और जो डिजर्विंग प्लेयर्स को टीम से या तो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा या सिलेक्ट किया जाएगा तो उनको रिजर्व में बिठाया जाएगा, और शादाब खान जो के पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन है, एक मैच में भी उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच भी जो है मैच में भी शादाब खान को खिला लिया जाए। इनसे बंदा पूछे, घटिया लोगों से पूछे, बाबर आजम की घटिया सोच से बंदा पूछे, बाबर आजम से पूछे कि उसने आप उसके फिट होने की क्या वेट कर रहे हो, या तो उसने जो है वो बड़ी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई हो, फिर तो आप कहोगे यार हम उस पे रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा मैच विनर है, उसने वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो अगर वो जो है वो खेल पड़ा और उसकी परफॉर्मेंस होगी तो वो पाकिस्तान को वन साइड जितवा देगा, तो उसने ऐसी तो कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है, तो फिर आप एक जो है वो आउट ऑफ द फॉर्म पे आउट ऑफ द फॉर्म प्लेयर पे इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, और अगर आपने रिस्क लेना तो फिर कुदरत ने आपके साथ जो है वो इंसाफ कर दिया है और कुदरत ने आपसे जो है वो इंतकाम ले लिया है। तो अब बाबर आजम को खुश होना चाहिए, बाबर आजम की अब माशाल्लाह एक तो कप्तानी भी जाएगी और इन रेलो कट्टों को सबको जो है वो पाकिस्तान को जान छुड़ानी पड़ेगी, अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। पाकिस्तान को बाबर आजम जो है वो एज ए बैट्समैन बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम को समझना चाहिए कि वो एज ए कैप्टन जो है वो बिगेस्ट फेलियर ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट है, और वो एज ए बैट्समैन तो अच्छे प्लेयर है लेकिन ऐसे कप्तान जो है वो उनका सिक्का नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनको इतना ज्यादा मौका दिया जा चुका है, वो 3 से 4 साल उनको कप्तानी होने वाली है, लेकिन अभी तक अगर आपको कप्तानी करनी नहीं आई, आपको प्रेशर सिचुएशंस में अच्छे फैसले करने नहीं आए, आपको फील्डिंग प्लेस में फील्ड प्लेसमेंट करवानी नहीं आई, आपको किस टाइम किस बॉलर को यूज करना है आपको वो अभी तक नहीं पता चला, तो फिर जो है वो आप कप्तानी करने के लायक नहीं, और आप प्लीज जो है वो पाकिस्तान की जान छोड़ दीजिए, किसी और डिजर्विंग बंदे को आने दीजिए जो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम कर सके, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो इस चीज पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान की टीम में रोज रोज लड़ाइयों की खबरें आ रही है, टीम में जो है वो ग्रुपिंग जो है वो देखने को मिल रही है, टीम में लड़ाई झगड़े आम हो गए, हर बंदा जो है वो एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ रहा है, हर बंदा कप्तानी के पीछे भाग रहा है और हर बंदा जो है वो अपना अलग ग्रुप बना के बैठा हुआ है जी, तो अगर आप ये सब कुछ करेंगे आपकी नियत में खोट होगा, आपकी नियत में फतूर होगा, आपकी नियत में अपने पर्सनल माइलस्टोन्स होंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट जो है वो आएंगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है वो एक हाई कमीशन जो है वो इस पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए और बगैर किसी जो है वो प्रेशर के उसको काम करने देना चाहिए और क्वालिफाइड बंदों की इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी उनको बिठानी चाहिए और जो जिम्मेदार है उनका तायुन होना चाहिए और उनको बकायदा जो है वो इस चीज की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है वो एक चीज के पैसे ले रहे हैं, अगर आप एक चीज को मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सारी कौम के आपके साथ इमोशन जुड़े हुए हैं तो आप किस तरह जो है वो अपनी अना अपनी जिद की तस्कीन की खातिर जो है वो अपनी मर्जी की टीम खिला सकते हो? क्या बाबर आजम पाकिस्तान से बड़ा हो गया? क्या शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान से बड़ा हो गया? क्या इमाम उल हक पाकिस्तान से बड़ा हो गया? क्या शादाब खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया? क्या मोहम्मद नवाज पाकिस्तान से बड़ा हो गया? क्या इमाम उल हक पाकिस्तान से बड़ा हो गया? तो कब तक जो है वो आप इन रेलू कट्टों को जो है वो खिलाते रहेंगे? क्या हसन अली पाकिस्तान से बड़ा हो गया? तो पाकिस्तानियों को भी ये चीजें जो है वो सोचनी पड़ेंगी और ये जो रेलू कट्टे हैं इनको टीम से उठा के बाहर फेंकना चाहिए और डिजर्विंग बंदों को टीम में लाना चाहिए, तो तभी पाकिस्तान की टीम जो है वो सही हो सकती है। दूसरा, पाकिस्तान को कोचिंग स्टाफ के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपने जो है वो इन
कोचेज के साथ ही रहना है या इन कोचेज से जान छुड़ानी है। मेरा नहीं ख्याल कि इन कोचेज में इतना दमखम है कि ये जो है वो पाकिस्तान को एक वर्ल्ड क्लास टीम बना सकें। और अगर इनमें दम हम है तो फिर आपने उनको फुल पावर्स नहीं दी, फिर आपने जो है वो अब बाबर आजम को इतना पावरफुल कर दिया है और इंजमामुल हक को इतना पावरफुल कर दिया हुआ है कि जो है वो अपनी मन मर्जियां जो है वो टीम में चला रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान हार है। तो जो भी बंदा इन्वॉल्व है पाकिस्तान की हार में किसी भी जो है वो सूरत में, उसको जो है वो उसका तायुन होना चाहिए और उसको जो है वो इबरतनाक कस मिलनी चाहिए और डिजर्विंग बंदों को खिलाना चाहिए। और खुदा का वास्ता अब भी अगर आपको होश के नाहू नहीं आने तो आपको कभी नहीं आ सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी सारे उठ जाओ और गवर्नमेंट से जो है वो मांग करो, पीसीबी से ये मांग करो कि हमें ये रेलू कट्टे जो है वो मंजूर नहीं है, हमें बाबर आजम की कप्तानी मंजूर नहीं है, हमें ये जो डिजर्विंग बंदे हैं उनको टीम में लाओ। फिर आप डिजर्विंग बंदों को लाओ, यंग बंदों को लाओ, किसी ऐसे कैप्टन की तरफ देखो जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो सर्व कर सके, जिसमें कायदाना सलाहियतें हुए। आप जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाओ, आप शॉर्ट टर्म का ना सोचो। मीडियाकर लोग जो है वो पीसीबी में ना, पीसीबी में जो है वो लोग आए जो पीसीबी को ऊपर लेके जा सके, जो पीसीबी को जो है वो अच्छे अंदाज में चला सके, जो खुद जो है वो क्वालिफाइड बंदे हो, जो खुद जो है वो एग्रेसिव जो है वो फैसले करने की हिम्मत उसमें और उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की भी हिम्मत हो। क्योंकि आप जो है वो बाबर आजम के जैसे प्लेयर्स की मनमानी अगर करवाते रहेंगे अपनी कमजोरी की वजह से या खुद एवरेज पीपल होने की वजह से, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी इस हार से जो है वो सबक सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी टीम से कहां गलतियां हुई हैं, कहां जो है वो गलतियां हमने की है, किन वजूहात की वजह से हमसे वो गलतियां हुई हैं। अगर हम दूसरी टीम से पीछे रहे हैं तो किन वजूहात की वजह से पीछे रहे हैं, उन वजूहात का तायुन कीजिए, उनको दूर कीजिए, उन पर काम कीजिए, उनको दूर कीजिए और डिजर्विंग बंदों को खिलाइए। और हर शोबे में जो भी बंदा डिजर्व करता है बस उसको रखा जाए, दूसरा बंदा किसी को जो है वो स्पेयर ना किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो इनने बहुत पूरी दुनिया में जागरसाई करवा दी है और हम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है, तो हम तो हर वक्त कहेंगे यार पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत, पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीत जाए, पाकिस्तान फाइनल भी जीत जाए। लेकिन हकीकत अगर देखें या हकीकत सोचें तो पाकिस्तान जो है वो डिजर्व ही नहीं करता कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेले। और जो टॉप की टीम्स थी, इंडिया ने सबसे अच्छा खेला है, वो जो है वो नंबर वन पे है। इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका ने दूसरे नंबर पर अच्छा खेला है तो वो दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे नंबर पर खेला तो ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। जनूबी न्यूजीलैंड जो है वो उनने तीसरे नंबर पर अच्छा खेला तो वो चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान जो है वो डिजर्व ही नहीं करता था सेमीफाइनल में जाने के लिए। और वो तो हमने अपने दिलों को जो है वो तस्कीन की खातिर, अपने दिलों को सुकून देने के लिए बस बातें बनाई हुई थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, पाकिस्तान फिर इंडिया से भी जीत जाएगा और इंडिया की वो टीम जिससे कोई और टीम नहीं जीत रही तो उससे पाकिस्तान जीत जाएगा। और हम जो है वो इंडिया वाले सारे लल्लू सारे बैठे हुए हैं, उनने ना तो कोई तैयारी की हुई और बाकी सारी टीम को धूल चटा रहे हैं। तो आप जो आपको छोटी से छोटी टीमें धूल चटा रही हैं तो आप इंडिया को हरा दोगे। तो ये हम सब के ख्याली पलाव थे और वो सिर्फ इस वजह से थे क्योंकि हमारे दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। ये बेगैरत जितना मर्जी बुरा खेले लेकिन हमारा दिल जो है वो फिर भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हमारा दिल जो है वो फिर भी पाकिस्तान की जीत चाहता है और हम फिर भी अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं और हम अपनी टीम जो है वो जीत जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो बड़ा जो है वो डिसहार्टफुल लॉस थी। और आप कब तक जो है वो इस पे रहोगे कि वो इसको हरा दे, वो इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, इसमें बारिश हो जाए, वो सारे मर जाए, वो ये हो जाए और वो हो जाए, वो ये हो जाए और बारिश आ जाए, बारिश आधा मैच जाया कर दे, बारिश वॉश आउट कर दे, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। भाई जान न्यूजीलैंड खेलने के लिए नहीं आया हुआ, वो गए थे दाने चपण आए ने। तो फिर आपको सोचना चाहिए अगर आप हर दफा जो है वो इसी चीज पर रहेंगे कि 1992 वर्ल्ड कप में ये हुआ था, 1992 में ये हुआ था, फलाने में ये हुआ था, चैंपियन ट्रॉफी में ये हुआ था, हमारी टीम जब नीचे गिरती है उसके बाद जो ऊपर आती है वर्ल्ड लो देख लो जो पाकिस्तान की टीम ऊपर आई है। तो हमारी टीम को जो है वो मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सोचना चाहिए और हर शोबे में, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे कोचिज हैं, चाहे पीसीबी है, हर शोबे में जो है वो तब्दीली दरकार है। और सिर्फ उन्हीं लोगों को स्पेयर करना चाहिए जो बंदे जो है वो डिजर्विंग है और सिर्फ उन बंदों को खिलाना चाहिए
जो डिजर्विंग है, बाकी जो है वो जो भी बंदा जिस भी कैपेसिटी में पाकिस्तान की हार की वजह बना है उसको उठाकर जो है वो बोर्ड से बाहर फेंकना चाहिए, उसको टीम से बाहर फेंकना चाहिए, उसको मैनेजमेंट से बाहर फेंकना चाहिए, उसको जो है वो कोचिंग स्टाफ से उठाकर बाहर फेंकना चाहिए, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उठाकर बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हम मजीद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो जलालत नहीं चाहते। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आप भी जो है वो बहुत दुखी होंगे, तो बहरहाल ये जिंदगी का हिस्सा है, और अब हमें जो है वो आगे की तरफ देखना है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।